संसद में बजट पर चर्चा हो रही है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद बजट को लेकर अपना मत दे रहे हैं। आज सदन में बजट पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। अपने भाषण के दौरान जमकर केंद्र पर बरसे और सरकार पर जाति वाला प्रहार किया। तो वही राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि राहुल सदन में अनाप शनाप बोल रहे हैं। इक्कीसवीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। बजट के बहाने राहुल के निशाने। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। सरकार पर वार, जाति वाला प्रहार। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। बीजेपी का पलटवार, राहुल ने किया शर्मसार। लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, ये एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है और एक संवैधानिक जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष का नेता बनना। तो जिम्मेदारी पद पर बैठ करके गैर जिम्मेदारी बात करना, ये बहुत गलत बात। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा केंद्र सरकार गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जो महाभारत में सालों पहले अभिमन्यु के साथ किया गया था, वही आज भारत की जनता के साथ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो सदन में जातिगत जनगणना पास कराएंगे। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि संसद में राहुल गांधी के भाषण को जिसने देखा और सुना उसने सिर पकड़ लिया। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपने भाषण से देश बांटने का आरोप लगाया। आज इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो राहुल गांधी के जातिवाद वाले प्रहार में कितना दम है? क्या कांग्रेस अब देश में जातिवाद वाली सियासत करना चाहती है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज कोशिश रहेगी इन तमाम चीजों को जानने की, लेकिन पहले वो सवाल देख लेते हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। पहला सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस जातिवाद की सियासत कर रही है? दूसरा सवाल रहेगा क्या कांग्रेस की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है? तीसरा सवाल रहेगा राहुल गांधी के बयान के मायने क्या है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है संतोष गौतम जी, साथ ही हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं आलोक वत्स जी, आपको नजर आ रहे होंगे, सुरेंद्र शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राकेश प्रजापति जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संतोष गौतम जी, क्योंकि आज राहुल गांधी की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अंदर। जातिवाद जातिवाद जातिवाद, राहुल गांधी जब भी सामने आते हैं जातिगत जनगणना को लेकर, जातिवाद विषय को लेकर, उनके बयानों की सुई सिर्फ इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। करना क्या चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ये करना चाहते हैं कि जो देश के अंदर 2-3% लोगों को सारे संसाधनों की लूट का हिस्सा मिल रहा है, राहुल गांधी चाहते हैं कि वो पूरे 100% लोगों में बटे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति इसलिए है क्योंकि जो आरएसएस की विचारधारा है वो शुरू से दलितों के खिलाफ रही, वो मनुवाद पर चलती आई है, चाहे गुरु गोलवलकर रहे हो, चाहे मोहन भागवत जिन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात की थी। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता बढ़ चढ़कर ये कहने लगे थे कि अगर 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, हम संविधान को बदल देंगे। तो देश को संविधान को बचाने के लिए, देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों को बराबरी का हक दिलाने के लिए राहुल गांधी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कांग्रेस के इन विचारों की हंसी उड़ा रहे हैं, वो हंसी उड़ा रहे हैं उन दलितों की, उन आदिवासियों की, उन पिछड़ों की, जिनको आज तक हाशिए पर धकेला जाता रहा है। राहुल गांधी के सवालों में हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे तो यह समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की जो शासित जो वित्त मंत्री है सरकार में, वो वित्त मंत्री अगर इन सवालों को इतने हल्के में लेंगी तो निश्चित है इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता साफ झलक रही है कि पिछड़ों दलितों और आदिवासियों को उनकी बराबरी का हक नहीं देने का विचार अभी भी रखते हैं।
सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी सरकार तो बात करती रही सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, लेकिन यहां तो कांग्रेस का आरोप है कि जो सब कुछ है देश का वो आप चाहते हैं कि सिर्फ 2-3% लोगों के हाथ में ही रहे और बाकी जो एक मेजॉरिटी है एक गरीब निम्न वर्ग तबके साधारण तबके की वो हमेशा के लिए वंचित रह जाए। ये है क्या आप लोगों की मंशा? कांग्रेस पूछ रही है। देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस की हालत तो ये है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। कांग्रेस की सरकारें जब तक देश में रही, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चौथे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पांचवे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनमें से कौन पिछड़े वर्ग का था? जरा कांग्रेस के मित्र बताएं, आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या अधिकार दिया? मंडल कमीशन कब लग की रिपोर्ट कब आई? कितने साल तक आपने उसको ठंडे बस्ते में डाली गई? आपने पिछड़े वर्ग के आय को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? अगर आप पिछड़ों के इतने हितैषी हैं तो राहुल गांधी के स्थान पर किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता को आप नेता प्रतिपक्ष बनाते? आपने एक गैर जिम्मेदार, एक अगम्भीर व्यक्ति, लोग उनकी बातों पर हंसेंगे ही, वो क्या कहते हैं क्या करना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आता। वो देश के लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अरे राहुल जी आप नेता प्रतिपक्ष हो, 3 बार के सांसद हो, आपको ये भी पता नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष से सवाल पूछे नहीं जाते, उनके माध्यम से माननीय मंत्री सवाल पूछे जाते हैं या सरकार से सवाल पूछे जाते हैं? जिस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, आपने एक गैर जिम्मेवार व्यक्ति को, एक मस्खरे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाकर उस संवैधानिक व्यवस्था का भी अपमान किया है। नेता प्रतिपक्ष को आप मस्खरा बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूं, मस्खरी करते हैं वो। वो किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के गले लगते थे, सदन में उनकी हरकतें क्या रहती हैं, और आज वो जो प्ले कार्ड दिखा रहे हैं कि इनमें से कोई पिछड़े वर्ग का नहीं है। जरा अपर्णा जी, जो लोग 15-20 लोगों की फोटो दिखाए, किसी की उम्र उसमें 50 साल है, किसी की 55 साल है, किसी की 60 साल है, आज से 20 साल पहले उनकी सर्विस लगी होगी, तब सरकार किसकी थी, नौकरी किसने दी उनको? क्या सरकार जाति के आधार पर अधिकारी तय करेगी या योग्यता के आधार पर तय करेगी? रातों रात तो अधिकारी नहीं बन गए ना 2014 के बाद संतोष गौतम जी, अधिकारी तो पहले से रहे होंगे, और अब आप लोग अधिकारियों में भी उनकी जाति उनका सब कुछ ढूंढते रहेंगे क्या? जहां जाएंगे वहां पहले पूछेंगे नाम जाति बताओ। देखिए सबसे पहले तो मेरी घोर आपत्ति है कि इन्होंने नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को मस्खरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल ये जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा मस्खरा जो है इस देश का प्रधानमंत्री है, जो कि संसद में विभिन्न लोगों की मिमिक्री करते हैं, लोगों को तरह तरह के शब्द बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री से बड़ा मस्खरा कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी ड्यूटी बजाने के लिए संसद में आके कौन चलाता है, गले कौन पड़ता है, वो देश के अपनी बारी में बोलिएगा। आप बताइए आपने किस आधार पर राहुल गांधी को बनाया पिछले को नेता प्रतिपक्ष? आप बौखलाइए नहीं, अपनी बारी में बोलिएगा, ठीक है? आपकी बारी में मैं नहीं बोला था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कह रही कि 2014 के पहले क्या इस प्रकार के लोग इस प्रकार की बात नहीं थी क्या? क्या जातिगत जनगणना तब नहीं हो सकती थी? मैं ये कह रहा हूं कि ये बात मंशा की है। राहुल गांधी ने जब इस बात को समझा है कि इस देश में इस तरीके का भेदभाव लगातार हो रहा, तो राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि जो भी कुछ हुआ है वो ठीक है, लेकिन इस तरह के एक बड़ी आबादी को इस अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। तो नरेंद्र मोदी जो जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, वो जातिगत जनगणना क्या कराएंगे? वो जानबूझ के जनगणना इसलिए नहीं कराना चाह रहे कि की वास्तविक आंकड़े गरीबी के, बेरोजगारी के, जनता के सामने, दुनिया के सामने आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी अपने फेलुअर से डरते हैं, इसलिए वो जनगणना नहीं कराना चाहते, वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। और क्यों ना हो अधिकारियों की बात, जो अधिकारी वहां टॉप पर बैठे हैं, जो देश की नीतियां बना रहे हैं, उसमें अगर दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित करने की बात अगर राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं। राहुल गांधी को यह कहने का पूरा हक है नेता प्रतिपक्ष के नाते कि गरीबों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को उनका हक मिले। जी ठीक है। राकेश प्रजापति जी, कहावत है बहुत पुरानी कि नाम में क्या रखा है, कहावत अंग्रेजी की है, लेकिन लगता है भारतीय राजनीति को देखते हुए कि नाम में तो नहीं लेकिन उपनाम में तो बहुत कुछ रखा हुआ है। देखिए अर्पणा जी, एक्चुअली क्या है, भारतीय जनता पार्टी कि जो राजनीति रही है, पहले ये धर्म के नाम पर राजनीति करते रहे, वर्षों से कहते हैं ये चलता रहा। अब राहुल गांधी जो देश के अंदर सबसे बड़ा अगर विपक्ष अगर पहली बार आया है तो वो आम आदमी की बात उठाना चाह रहा है। राहुल गांधी बड़े पुरजोर तरीके से इन सब बातों को उठा रहे हैं, वो बात संसद के अंदर किसानों की बात उठा रहे हैं, वो मजदूरों की बात उठा रहे हैं, वो दलितों की बात उठा रहे हैं, वो आदिवासियों की बात उठा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों के इनके पास जवाब नहीं है और ये क्या कहते हैं बैकफुट में आ रहे हैं।
जी, तो आज की बार आम जनता को, आज जो देख रही है वो जनता, वो सोचती है कि चंद्रवर क्या कहते हैं संसद के अंदर आज हमारी बात हो रही है, इस बात पर क्या कहते हैं लोगों को, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सही सही जवाब दे नहीं पा रहे हैं ये लोग, और उस चीज को लेकर क्या कहते हैं एक माहौल क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए भारतीय भारत का संसद है, संसद के अंदर सारे वर्ग और समाज के लोग चुनके जाते हैं। अगर आम आदमी की अगर बात उठती है कि भाई देश तो है, आज अगर 48,000 करोड़ का बजट अगर यहाँ संसद के अंदर पेश हुआ है तो आम आदमी से ही लगभग 42 करोड़ लोग तो आम टैक्स पेयर की जनता से के पैसे से क्या कहते इस दिए देश चल रहा है। प्रधानमंत्री का खर्च है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजों का खर्च है, ये तो सब सारा क्या कहते हिंदुस्तान की आम आवाम है जो लगभग 80% जनता है, 90% जनता है, उनके पैसों से चल रहा है। तो राहुल गांधी बड़ी जो पुरजोर तरीके से बात उठा रहे हैं और उन छोटी छोटी समस्याओं पर को जो उठा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है। अब रही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की करती आई है, पहले उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की है, फिर उसके बाद ये लोगों इनका पूरा भारतीय जनता पार्टी इसलिए सकपकाई है कि राहुल गांधी जो है एक समाज के बड़े वर्ग जो 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 कि ओबीसी वर्ग है उसकी बात उठा रहे हैं, तो इनका ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से का जो के पास से जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे खसक जाएगा। और क्योंकि संसद के अंदर राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो आम आदमी की ही तो बात उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो चीज अच्छी लगे तो प्रतिपक्ष के नेता का काम ये थोड़ी है कि वो जो सरकार है उसको जो पसंद आए वही बात करे। अर्पणा बिल्कुल, आलोक वस्ती धर्म और जाति ज्वलंत मुद्दे हैं भारतीय सियासत में या भारतीय समाज में, और जिस तरह कहा जाता है कि जहर को जहर ही काटता है, उसी तरह लग रहा है कि धर्म की काट क्या कांग्रेस जाति में ढूंढ रही है। देखिए अपना जी, सर्वप्रथम तो मुझे इस डिबेट में अच्छा नहीं लगा कि दो दो वरिष्ठ प्रवक्ता ने, एक ने मस्खरा कहा प्रतिपक्ष के नेता को तो दूसरे ने प्रधानमंत्री को मस्खरा कहा। बिलो द बेल्ट बातें नहीं होनी चाहिए, आप तथ्यों पर बातें रखें अच्छा लगता है, लेकिन एक दूसरे पर इस तरीके का प्रहार ठीक नहीं। और रही बात कि राहुल गांधी की, तो मुझे लगता है कि वो पूरी तैयारी करके सदन में नहीं आते हैं, जो कुछ भी उनको कोई लिखा पढ़ा देता है वही आके पार्लियामेंट में बोलते हैं। उन्होंने कहा वो किसानों की बात कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, आज उनको पता होना चाहिए कि 23 खदानों पर एमएसपी से ज्यादा पैसा मिल दिया जा रहा है। और 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, किसकी सरकार थी, 2008 में किसने खारिज किया था कि नहीं, मनमोहन सिंह ने खारिज किया था कि हम एमएसपी नहीं दे सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है, और आज ये एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। तो जब अपने पाले में गेंद थी तो इन्होंने नहीं खेला उससे, अब दूसरे के पाले में गेंद है तो उससे खेल रहे हैं। और रही ओबीसी की बात और दलितों की बात, तो आज मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा एमएलए और एमपी भारतीय जनता पार्टी में है ओबीसी के और शेड्यूल कास्ट के, वो भी इनकी बात तत्संगत नहीं लगती है। और इन्होंने कहा कि देश को कुछ दिया ही नहीं, जातियों को कुछ दिया ही नहीं, जातियों से हट के राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो 14 करोड़ शौचालय बने ये किस वर्ग को मिला, ये जो 4 करोड़ घर बना ये किस वर्ग को मिला, ये जो 40 करोड़ आदमी को मेडिकल की फैसिलिटी दी गई वो किस वर्ग को मिला। तो ये सारी चीजें ये समझना चाहिए बोलने के पहले कि देश में ये सारी चीजें उसी वर्ग को मिला जो बिल्कुल निम्न स्तर पे है, और बिल्कुल भेदभाव के मिला, भेदभाव नहीं हुआ इसमें, जो जरूरतमंद था जरूरत देखी गई, ना कि उसका धर्म, उसका नाम, और जाति देखी गई। और ये फोटो दिखा रहे हैं कि हलवा बट रहा, उसमें एक भी ओबीसी और दलित नहीं है। अरे अगर देश का बजट तैयार होता है तो वो उन लोगों के द्वारा तैयार होगा जो उसके लायक है, जो उस चीज को समझते हैं। और सही कहा है पक्का ने कि वो लोग तो पहले से यहाँ कार्य करते हुए आ रहे हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं कांग्रेस अपने बजट में दलित और मुसलमान और जो ओबीसी के लोगों को बैठा के बजट बनाती थी। ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बचकानी बातें लगती हैं कि आप बजट वही तैयार करेगा जो बजट के बारे में जानकारी रखता हो, कोई पद हासिल करेगा ना, कि अपने नाम जाति या धर्म के आधार पर। आप बजट किससे तैयार कराएंगी जो बजट के लायक होंगे, चाहे वो किसी वर्ग से आते हो सकता है ओबीसी से ही हो सकता है दलित से हो, बट ही शुड बी क्वालिफाइड
बिल्कुल। और अगर कोई सवर्ण है संतोष गौतम जी, और वो सवर्ण है अपर कास्ट से आता है लेकिन वो योग्य है, तो उसके अधिकारी बनने से क्या क्या ऐतराज कैसा है? सवर्णों से कैसा परे? क्या सवर्णों को अधिकार नहीं है क्या अधिकारी बनने का अगर वो योग्य है तो? देखिए बिल्कुल हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से विश्लेषक महोदय शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, मुझे बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि वो जो लायक होगा वही बजट बनाएगा, तो लायक का मतलब है कि जो 20 अधिकारी जिनमें अगर दलित और आदिवासी नहीं है, इसका मतलब दलित और आदिवासियों का अपमान किया इस टिप्पणी के द्वारा कि दलित और आदिवासी लोगों को ऐसा योग्य नहीं मानते हैं। दलित सुन लीजिए आप, जो बजट बनाने के योग्य होगा ये मैं समझता हूँ, एक प्रकार से फिर बनवादी विचार है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप मेरा आपकी बारी में नहीं बोला था, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना, मैंने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना था। नहीं, ये गलत बात है, अगर मेरी बारी है तो मुझे सुनना पड़ेगा आपको। संतोष जी सुन रहे, ये गलत तरीका है। संतोष जी सुन रहे जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नियत पर हमें संदेह है। भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति क्या है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। जो ये इनकी नियत है वो गुरु गोलवलकर की विचारधारा से आती है, जो कि बहुत पहले गुजरात विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जिन्होंने दलितों को ले जाकर दक्षिण में बसा दिया, फिर वहां यह नियम बना दिया कि वहां से उत्पन्न किसी भी स्त्री की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होगी। तो ये उनकी सोच है, ये जो मनुवादी सोच है दलितों के प्रति, आदिवासी के प्रति, ये कभी मोहन भागवत के विचारों में, कभी किसी के विचारों में झलकती रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मनुवादी विचारधारा थी, जो चाहते थे कि मनुस्मृति को संविधान की जगह दिला देंगे, तो मैं समझता हूं इस भारतीय जनता पार्टी की नियत पर देश को संदेह है, और देश इस बात से पूरी तरह से आक्रोशित है कि आज भारतीय जनता पार्टी मनुवाद को इस तरीके से अघोषित रूप से स्थापित करना चाहती है संविधान की जगह, कि दलितों और पिछड़ों का कभी उत्थान ना हो। इसलिए वो नहीं चाहते कि बजट बनाने में कोई दलित आए, कोई पिछड़ा आए, इस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी के साफ आरोप है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे ज्यादा दलित वो तो आपकी मजबूरी है, वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, उनको सीट जीतना है, और वहां पर अगर बहुसंख्यक में दलित दलित अगर पिछड़े हैं तो मजबूरी में उनको देते हैं, क्यों नहीं उनको शीर्ष स्थानों पर बैठाते? मेरा ये पूरा मेरा साफ आरोप है कि अगर सीट जीतने की मजबूरी ना हो, जैसे उन्होंने मुसलमानों को किस तरीके से हाशिए पर रखा, एक भी सांसद मुसलमान क्यों नहीं इस देश का? इस देश का मुसलमान ये जानना चाहता है कि 20% जनसंख्या होने के बाद भी एक भी मुसलमान सदस्य भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में मौजूद क्यों नहीं है? जवाब दे नरेंद्र मोदी कि 20% आबादी को दबाने के लिए, 50% पिछड़ों की आबादी को दबाने के लिए, दलितों की आबादी को दबाने के लिए आज कौन जिम्मेदार है? ये लोग वो जिम्मेदार है जो अंबेडकर के विरोधी रहे हैं, जो संविधान के विरोधी रहे हैं, और जो मनुवाद को इस देश में संविधान की जगह स्थापित करना चाहते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी जवाब दीजिए। 90 बार कांग्रेस ने, ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, जवाब दीजिए। देखिए संतोष जी, आप बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी सरकार थी, आपके प्रधानमंत्री, मैं उस विषय पर आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। इस देश के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस नेता थे मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। ये आपकी पार्टी की सोच है। आप मत बैठा कीजिए, अगर आप प्रवक्ता बने हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। ये दूसरी बात, ये दूसरी बात, आप इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बाबा साहब अंबेडकर सरकार के कानून मंत्री थे, आपकी सरकार ने सवाल किया, उनको दो दो चुनाव आपने हराए, उनको 45 साल तक मृत्यु के बाद भारत रत्न के लिए इंतजार करना पड़ा। नेहरू जी ने हरी जी को भारत रत्न दिया, भारतीय जनता पार्टी और अंबेडकर जी के साथ क्या किया हमको? आपने दलितों के साथ किया, दलितों का क्या करने वाले हैं? और मैं तो आपसे कहता हूँ, आप जनगणना की बात कर रहे हैं ना, एनआरसी देश में लागू कर चुकी है, एनआरसी लागू कर चुकी है, देश में पता चल जाएगा कि उसकी जनसंख्या है, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रकार से दलित पिछड़ा देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आपकी सरकार थी, आपने पिछड़ों के लिए क्या किया, आपने दलितों के लिए क्या किया, आप बताइए ना। अगर आपकी वोट की मजबूरी नहीं हो, रही, तो आप एक भी दलित पिछड़े को आपने टिकट तक नहीं, तो मेरा दावा है, लेकिन आप क्योंकि चुनाव जीतने की राजनीति में हो, इसलिए आपको मजबूरी में दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों को टिकट। अरे इस देश की जनता हमको चुन रही है, जनता ने हमारा काम देखा है, पूरे साल सत्र विकास का काम हमने किया है, आपने किया क्या है? केवल घोटालों के अलावा घोटाला, कभी घोटाला, कभी जीजाजी घोटाला, अंबानी के साथ का इलेक्शन था यूपी का,
उसमें एक बड़ी जीत किसने स्थापित किया, दबाने स्थापित किया, किसने उनकी फैक्ट्री बनाई, कभी नहीं हो सकता। पिछड़ा वर्ग को खींचने में कामयाब रही, इसलिए बड़ी जीत का आधार ओबीसी बना बीजेपी के लिए। अब क्या उसी पर सेंधमारी कर रही है कांग्रेस? हमारे प्रधानमंत्री पिछले वर्ष से हैं, मध्य प्रदेश में चार चार मुख्यमंत्री पिछले वर्ष से दिए, आपने क्या दिया पिछले वर्ष के लिए बताइए राकेश जी। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, जिसको देश के अंदर है लगभग 80% लोग हैं आदिवासी मजदूर किसान दलित और आदिवासी हैं, ये जो है ये सत्ता में काबिज करने का काम करते हैं और सत्ता से बेदखल करने का काम करते हैं। इस पर इसलिए मैंने कहा ना कि ये वोट बैंक की राजनीति है, इसके चलते क्या कहते हैं इन लोगों को ये जो चाहते हैं राजनीतिक दल की ये जो हम इनकी बातें उठाकर हम किसी ना किसी तरीके से इस बड़े वर्ग को हम अपने पाले में ले लें ताकि उसका राजनीतिक फायदा उठाए। रही बात मेरी है कि बात यह है कि अगर ये बजट के ऊपर बात चर्चा चल रही है तो बजट किस आधार पर बन रहा है? 2011 का सेंसेक्स है, उसके बाद 2021 में सेंसेक्स हो जाना चाहिए था। जनगणना होती है इसलिए होती है कि समाज के देश के अंदर आबादी कितनी है, किस वर्ग को कितनी जनसंख्या बढ़ी है। क्या आपको लग रहा है कि सेंसेक्स से बच रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहने का हम तो अगर ये सेंसेक्स हो रहे हमको अगर मालूम है कि अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए का हम किस तरीके से बंटवारा किए जाए जिससे समाज के सभी वर्ग संतुष्ट हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बीते दस वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और सेंसेक्स क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर सेंसेक्स नहीं हो रहा तो ये जो बजट है ये बेमानी बजट है। मेरा मानना यह है कि किस आधार पर आप किस किन किन वर्गों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं? तो सबसे पहले अगर चीज है तो पहले तो जनगणना होना चाहिए। अगर राहुल गांधी अगर जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने भी आज सदन में इस बात को दोहराया था। समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद एमपी की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। तो बूंद बूंद से क्या सागर बनने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस राहुल गांधी कर रहे हैं। कभी मोची की दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत करने लगते हैं, और अब लगातार जो हमला है वो जाति को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का और राहुल गांधी का जारी है। एमपी की महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जा रही है, आप जुड़े रहिए।